السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى हम यहाँ पर जमा हुए इसलिए कि वो लोग वो हमारे जवान नौजवान जो सरहद की हिफाजत के लिए थे उनका बेगुनाह खून बहाया गया। हम उनकी याद में उनके साथ उनके खून के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये बात उनके पसमानदगान और उनके खानवादे को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमने उसी तरह से कि जिस तरह तुम गमगीन, इसलिए कि हम सिर्फ तुम्हारा गम नहीं बल्कि ये सारे हिंदुस्तानियों का गम है, हर हिंदुस्तानी के हर फर्द का गम है। इसलिए कि ये बेगुनाह मारे गए हैं, इनको बेगुनाह कत्ल किया गया है, मारा गया है, इनका खून बहाया गया है। अब जिसने भी बहाया हो, जिसने भी खून बहाया है, ये खून बेनकाब होकर रहेगा। इसलिए करबला की तारीख हमें बताती है कि शहीदों का खून हमेशा रंग लाता है और हमेशा जालिम पे जालिम को बताता है। जो भी जालिम होगा उसका पता ज़रूर चलेगा, उस बेनकाब ज़रूर होगा। इसलिए करबला की तारीख हमें इस बात की गवाह है कि जालिम ने जुल्म किया, जुल्म करने के बाद वो ऐसी बैठा न रहा बल्कि बेनकाब हुआ और इस तरीके से बेनकाब हुआ कि जमाने भर में दुनिया भर में रुस्वा जलील हो गया। ऐसे ही ऐसे जालिम जो जुल्म करते हैं, फौजियों पर जुल्म करते हैं, हिंदुस्तानियों पर जुल्म करते हैं, वो भी बेनकाब होंगे और रुस्वा होते रहेंगे। हम उनकी निंदा करते हैं। हम और हम जो जमा हुए हैं यहाँ पर, हम ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत हिंद, हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत सारी चीज़ों को छोड़कर हिंदुस्तान की फलाह बहबूद के लिए जो भी आतंकवाद के खिलाफ हिकमत अमली अपनाएगी हम उनके साथ हैं। यहीं से हम तकरीब खत्म करते हुए कैंडल मार्च निकालते हैं और आतंकवाद के खिलाफ हम अपना मुजाहरा जारी रखते हैं। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
पीछे चल रहे हो?